हेलो एवरीवन, ग्रेवी वाला कढ़ाई चिकन बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने ऑयल डाला है। ऑयल में 3 बड़े प्याज डाले हैं मोटे मोटे काट करके, और इसी में हमने करीब 400 ग्राम चिकन था उसे डाल करके कुछ सेकंड भून लिया है। करीब 5 मिनट भुना होगा, कुछ सेकंड नहीं। उसके बाद इसमें डाल दिया 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर इसको हमने फिर से भूनना है। और बस इसका कलर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक वाइट हो चुका था। अब यहाँ 4 से 5 टमाटर 2 टुकड़ों में काट कर लिए हैं, ऊपर से डाला है नमक और इसे ढक दिया है। 5 मिनट पकाया है, टमाटर एकदम गल गए हैं, छिलका निकाल देना है। अब टमाटर को हमने एक साइड करना है और इसको अच्छे से घोट लेना है। टमाटर घुट जाएंगे तो मिक्स करेंगे चिकन में और अच्छे से इसे भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे कुटी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से भून लेंगे। जब ये कच्चापन मसालों का ख़त्म हो जाएगा, आधा कप दही डालेंगे, फिर से अच्छे से भूनेंगे। और ये जब भूनकर अच्छे से तैयार हो जाएगा तो इस पर डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, चंद हरी मिर्च और बढ़िया सा हमारा कढ़ाई चिकन तैयार।